देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सदर विधायक सुभाष ठाकुर, घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग, भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान विशेष रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संगोष्ठी में जिला भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सदर विधायक सुभाष ठाकुर, घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग, भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान विशेष रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संगोष्ठी में जिला भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर प्रदेश में जन जागरण अभियान चला है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस अधिनियम से करोड़ों जनता को लाभ पहुंचने वाला है, प्रदेश भाजपा इसका समर्थन करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जिसे भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और आज बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमारे वो नेता जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आज वो स्वर्ग में है। परंतु स्वर्ग में वो प्रसन्न होंगे कि उन्होंने जिंदगी भर जिन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, आज हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी मुद्दों का समाधान कर रही है, उन मुद्दों का हल कर रही है। वहीं सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि इस अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां उन्हें दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अधिनियम में भारत देश में रह रहे लोगों की नागरिकता के बारे में कुछ भी नहीं है, बल्कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं उन्हें नागरिकता दी गई है। आज 25 दिसंबर का दिन शुरू से ही वाजपेयी जी के जन्मदिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आज क्रिसमस भी है, उसके भी मैं सबको बधाई भी देता हूँ। और आज के दिन यह बुद्धिजीवी संगोष्ठी के रूप में बिलासपुर में मनाया जा रहा है, जिसमें नागरिक संशोधन बिल जो आया है इसके उपलक्ष्य में लोगों में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी, और इसमें जो इस देश के नागरिक हैं उनके बारे में और उनकी नागरिकता के बारे में इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो वहाँ से लोग प्रताड़ित होके जिनके अत्याचार हुआ है और जिनके बहु बेटियों को वहाँ पर असुरक्षित थी, वो भारत देश में आए हैं, उनको नागरिकता दी गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।